पलामू प्रमंडल से जुड़ी सभी ताजा तरीन खबरों के लिए सिर्फ एक ही जगह बंसीधर न्यूज। और बंसीधर न्यूज अब यूट्यूब पर भी, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि पलामू से जुड़ी सभी ताजा तरीन खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसीधर न्यूज। प्रस्तुत है समाचार। विधायक भानु प्रताप शाही के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने गढ़वा डीसी को सौंपा मांग पत्र। कहा, सरकार बदलते ही तबाह होने लगे हैं जिलावासी। अब खबर विस्तार से। भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही एवं भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त हर्ष मंगला से उनके वेश में मुलाकात कर 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में जिले भर में हुई ओलावृष्टि के कारण किसानों के फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की जानकारी देते हुए इसकी जांच कराकर किसानों को मुआवजा प्रदान करने की मांग की। मांग पत्र सौंपने के बाद विधायक ने कहा, सरकार बदलते ही जिले में आपराधिक तथा उग्रवादी गतिविधि बढ़ी है। मकान ऐसे खपड़ेल है जो ध्वस्त हो चुके हैं, पूरा खपड़ा उसका टूट गया है। तो उसके लिए हम लोगों ने मांग किया है कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इसका समुचित जांच करा करके उचित मुआवजा उसका दिया जाए। दूसरा जो हम लोगों ने मांग किया है कि गढ़वा जिला में धान क्रय केंद्र सारे प्रखंडों में नहीं खुले हैं, सारे प्रखंडों में उसको खोला जाए और जिन प्रखंडों में खुला है वहाँ काफ़ी शिथिलता के साथ धान क्रय किया जा रहा है, जिससे जो हमारे किसान हैं वो औने पौने दाम में हमारे धान बेच दे रहे हैं और बिचौलिया इसमें पैसे कमा रहे हैं। तो सभी प्रखंडों में FCI का धान क्रय केंद्र खोला जाए और हमारे किसानों को अविलंब, जो आज इतने बड़े बरसात में भी बहुत सारे लोग आंगन में अपना धान रखे हुए थे, वो धान अविलंब खरीदा जाए, यह हम लोगों ने मांग किया है। तीसरा मांग जो हम लोगों ने किया है कि गढ़वा जिला में पिछले 5 महीने से या 6 महीना बोल लिया जाए, लगभग अब 6 महीना होने वाला है, 6 महीने से जितने भी विकास कार्य हुए, चाहे वो मनरेगा के विकास कार्य हो या अन्य जिला संचालित योजना हो, राज्य संचालित योजना हो या केंद्र संचालित योजना, किसी भी योजना में भुगतान नहीं किया जा रहा, जिससे मजदूरों के सामने आज भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बहुत ऐसे संवेदक हैं जो दुकान से उधार लेकर के छड़ सीमेंट ईटा का काम किए हैं, उन दुकानदारों के ऊपर भी काफ़ी आर्थिक मार पड़ी है और वो भी अब असहाय हो गए हैं और जो संवेदक हैं उनके ऊपर भी काफ़ी परेशानी और दिक्कत हो रही है, तो वो भुगतान किया जाए, ये हम लोगों ने ठीक है बगैर किसी उन लोगों को नोटिस के एकाएक उस माइंस को बंद कर दिया गया, जिससे 1000 मजदूर प्रत्यक्ष और लगभग 5000 अप्रत्यक्ष लोग जिनका खाद खर्चा उस माइंस से चलता था वो सड़क पे आ गए, उस माइंस को अविलंब खुलवाया जाए, यह हम लोगों ने मांग किया है। चौथा पांचवा मांग जो हम लोगों ने किया है वो है कि गढ़वा जिला में पिछले 2 महीने में निवर्तमान सरकार के जाने के बाद जो वर्तमान सरकार बनी है उस के आने के बाद गढ़वा जिला में लगातार चोरी डकैती और व्यवसायियों पर गोलीबारी जैसी घटनाएं हुई हैं, नक्सली मूवमेंट भी बढ़ा है, तो इस पर अविलंब रोक लगाया जाए, यह हम लोगों ने मांग किया है। छठा मांग जो हम लोगों ने इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी ने उपायुक्त को लिखित प्रतिवेदन देकर विगत 13 फरवरी को स्थानीय उत्सव गार्डन में आयोजित परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में भाजपा के विधायकों को आमंत्रित नहीं किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया। कहा कि सरकारी कार्यक्रम में विपक्षी दल के विधायकों को आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि जिले में भाजपा के 3 विधायक हैं। इससे पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये लोकतंत्र की मर्यादा के विरुद्ध तथा गलत परंपरा की शुरुआत है, इसे भविष्य में दोहराने से रोका जाए अन्यथा विरोध प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। मौके पर विधायक भानु प्रताप शाही के अलावे भाजपा नेता विनय कुमार चौबे, ब्रजेश कुमार उपाध्याय, राजीव रंजन तिवारी, विकास स्वदेशी, संजय भगत, विनय चंद्रवंशी, उमेश कश्यप, बबलू पटवा, डॉक्टर लाल मोहन सहित कई लोग शामिल थे।